सिवान पुलिस ने कई हथियार के साथ दो अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, साथ में लूटी गई बाइक भी हुआ बरामद। जी हां, बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान पुलिस ने सिक्सर और देसी कट्टा के साथ दो अपराधी को धर दबोचा है। पूरी खबर सिवान जिले के महाराजगंज थाना मुख्यालय से बताई जा रही है, जहां महाराजगंज थाना को गुप्त सूचना मिला कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराजगंज थाना क्षेत्र के तक्कीपुर गांव में छापेमारी किया। इस बात से पुलिस ने दो युवक को देसी कट्टा और सिक्सर के साथ और साथ में लूटी गई बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के तक्कीपुर गांव के प्रतीक कुमार सिंह पिता जितेंद्र सिंह और सचिन यादव पिता राजेश यादव गांव सुरबीर बताया जा रहा है। पूरी खबर आपको बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कर रहे हैं। इस वास्ते महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन और थाना प्रभारी रत्नेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। इस मामले में दो युवक गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले महाराजगंज थाना इलाके में बाइक का लूट हुआ था। इस मामले में महाराजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था। उस कांड में लूटी गई बाइक को पुलिस ने भी कल बरामद कर लिया है। इस संदर्भ में महाराजगंज थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि तक्कीपुर गांव में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कर रहे हैं। इस वजह से छापेमारी किया गया, जहां से पुलिस ने प्रतीक कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं वहां मौजूद और सभी अपराधी भागने में सफल हो गए। वहीं पुलिस ने प्रतीक के पास से देसी कट्टा को बरामद किया है। वहीं मौजूद अपराधियों के भागने क्रम में अपराधियों की कमर से सिक्सर गिरा, जो पुलिस को मिल गया है। प्रतीक की गिरफ्तारी के बाद प्रतीक से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा सुरबीर गांव के सचिन यादव का नाम बताया गया। वह भी हम लोगों के साथ काम करता है। इस वजह से पुलिस ने सचिन यादव गिरफ्तार कर लिया और सचिन ने पुलिस के सामने सभी मामले में संलिप्तता बताई है। इन लोगों के पास से लूटी गई बाइक भी बरामद हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं यही अपराधी हैं जो जेल जा रहे हैं। इस तरह लगातार बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। अगर प्रशासन अपराधियों पर इसी तरह नकेल नहीं कसेगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। इस तरह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार किया है। पूरे आसपास के इलाकों में पुलिस के प्रति लोग सराहना व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर से बता दें कि बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ में देसी कट्टा, सिक्सर और लूट की गई बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। एक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के तक्कीपुर गांव के प्रतीक कुमार सिंह पिता जितेंद्र सिंह तो दूसरा महाराजगंज थाना क्षेत्र के सुरबीर गांव के राजेश यादव के पुत्र सचिन यादव के रूप में हुई है। वही अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। इस बड़ी उपलब्धि में महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन और थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा की टीम शामिल था।